लोक निर्माण विभाग महाराष्ट्र सरकार द्वारा हर साल उल्लेखनीय कार्य करने के लिए विभिन्न स्तर के तकनीकी कर्मियों को उत्कृष्ट अभियंता से सम्मानित किया जाता है। वहीं इस साल भी गुरुवार को लोक निर्माण मंत्री नामदार श्री रविंद्र चौहान ने मुंबई के सायन में सन मुकंदा ऑडिटोरियम में पुरस्कार समारोह की मेजबानी की है। इस दौरान अहमदनगर में एसपी बोर्ड में पदस्थ अधीक्षण अभियंता जेडी कुलकर्णी को उनके द्वारा अब तक किए गए सराहनीय कार्यों को लेकर 2018 के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर के लिए सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2018 के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर पुरस्कार श्री जेडी कुलकर्णी की घोषणा की गई है, लेकिन यह पुरस्कार कार्यक्रम कोविड काल में आयोजित नहीं हो सका था। श्री जेडी कुलकर्णी महाराष्ट्र लोक सेवा 1989 में सहायक अभियंता ग्रेड वन के रूप में आयोग की आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में शामिल हुए। जेडी कुलकर्णी अहमदनगर, गंगाखेड़, औरंगाबाद में कार्यरत रह चुके हैं। वह लातूर, अकोला, पुणे, अहमदनगर में कार्यकारी अभियंता के रूप में पदस्थ रहे हैं। अहमदनगर में अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे रत्नागिरी में कार्यरत थे। अहमदनगर में कार्यकारी अभियंता के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान शहर के बाईपास पर निम्बुलक और अरनगांव फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हुआ, जिसके कारण शहर में भारी वाहन यातायात को बाईपास के माध्यम से डायवर्ट किया गया, जिसके कारण शहर में दुर्घटनाओं की संख्या कम हुई और यातायात प्रवाह में काफी सुधार आया। हाल ही में बनकर तैयार हुआ कलेक्टर अहमदाबाद भवन का निर्माण उनके समय में हुआ। इस कार्य को उन्होंने तेजी से पूर्ण किया। आइए एक नजर डालते हैं पुरस्कार सम्मान समारोह पर। सगळ्यांच्या वतीने मी विनंती करते की श्री जे डी कुलकर्णी अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ अहमदनगर यांनी इथे आपलं मनोगत व्यक्त करावं। श्री जे डी कुलकर्णी अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांनी वेळेअभावी थोडक्यात आपलं मनोगत व्यक्त करावं। त्यापुढील असणार आहे श्री सचिन चिवटे यांनी तयार राहावं। सन्माननीय व्यासपीठ आणि उपस्थित सर्वजण, आजचा दिवस मी आणि आमचे सर्व पुरस्कार प्राप्त मित्र यांच्या आयुष्यातील संस्मरणीय दिवस आहे। मध्यमवर्गीय कुटुंबामध्ये जन्म झालेला माझ्यासारखा माणूस, ज्यांनी शाश्वत नोकरीचा मार्ग म्हणून सिव्हिल इंजिनिअरची डिग्री घेतली आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देऊन या खात्यामध्ये सहायक अभियंता श्रेणी म्हणून रुजू झालो, तेव्हापासूनचा आज जवळपास आतापर्यंतचा 34-35 वर्षाचा काळ आठवतोय। कुठली गोष्ट मन लावून करण्याची कॉलेज जीवनापासूनच सवय असल्यामुळे सरकारी नोकरीमध्ये काम करत गेलो आणि नंतर लक्षात आलं की आपण सिव्हिल इंजिनिअरची सार्वजनिक बांधकाम खात्यातली नोकरी म्हणजे आपण पगार पण घेतो आणि आपला समाजसेवेचं किंवा लोकविरोध कामं पण करू शकतो। एखाद्या गावाला जर आपण रस्ता दिला किंवा एखादा पूल बांधला तर त्या गावकऱ्यांचं कडून होणारं कोडकौतुक, त्यांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य हे आपल्याला आत्मिक समाधान निश्चितच देऊन जातं। अशी कामं करत असताना वेगळ्या विंगमध्ये आणि वेगळ्या प्रदेशामध्ये काम करत गेलो आणि अशा कामामध्ये त्या त्या वेळेस त्या त्या लोकप्रतिनिधींकडून ऍप्रिसिएशन पण मिळत गेलं, वेगवेगळे पुरस्कार पण मिळत गेले। त्या सर्व ह्याच्यामध्ये त्यावेळचे सहकारी, सबऑर्डिनेट्स आणि वरिष्ठ अधिकारी यांचा सिंहाचा वाटा निश्चितच आहे। खात्यात आल्यानंतर आपल्याला असं प्रत्येकाच्या आयुष्यात असं वाटतं की आपल्या खात्यातील हा सर्वोच्च सन्मान आपल्याला मिळाला पाहिजे आणि तो सन्मान आज मला या खात्याने दिला त्याबद्दल मी या खात्याचा ऋणी आहे। या माझ्या पुरस्काराच्या पाठीमागे माझं कुटुंब, माझी पत्नी, माझे कनिष्ठ सहकारी, माझे सहकारी कनिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी या सर्वांचा निश्चितच सिंहाचा वाटा आहे। विशेष करून या पुरस्कारामागे सळुंके साहेब सचिव रस्ते, नवघरे साहेब सचिव बांधकामे, नेहमीच प्रेरणा देणारे आणि पाठीशी उभे राहणारे सोनिक साहेब यांचा मी विशेष आभारी आहे। मागील 2-3 वर्षापासून कोविडमुळे हा कार्यक्रम होऊ शकला नाही, पण माननीय मंत्री महोदयांनी मागील 4-5 वर्षाचे प्रोग्राम आज या अभियंता दिनी आयोजित केले
त्याबद्दल मी सर्वांतर्फे त्यांचे अतिशय मनापासून धन्यवाद देतो. आणि ज्या खात्याने आपल्याला मान सन्मान दिला, प्रतिष्ठा दिली, त्या खात्याचं ऋण व्यक्त करून माझे 200 संपवतो. अच्छे प्रशासनिक अधिकारी और पारदर्शी प्रशासन के लिए श्री जेडी कुलकर्णी प्रसिद्ध हैं. वह एशियाई विकास बैंक के माध्यम से लागू सड़क सुधार परियोजना में समन्वय अधिकारी के रूप में शासन स्तर पर जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने विभिन्न समितियों पर काम किया है जो सरकार की नीतियां तय करती हैं. महाराष्ट्र सरकार लोक निर्माण विभाग और अन्य सरकारी अर्ध सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यक्तिगत पुरस्कार की घोषणा के लिए श्री जेडी कुलकर्णी को बधाई दी गई है और प्रशासनिक प्रगति की कामना की गई है. जेडी कुलकर्णी के कार्यकाल के दौरान कुछ उल्लेखनीय कार्य इस प्रकार हैं. मराठवाड़ा में पहली बार रीइंडस्फोर्ड अर्थ वर्क की नई तकनीक से औरंगाबाद पैटर्न रोड फ्लाईओवर रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ. महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पहला विभागीय पुस्तकालय भवन जो निर्माण के साथ पूरा किया गया. राजभवन मुंबई स्टाफ कॉलोनी में 15 मंजिला भवन तय समय में बनकर तैयार किया गया. शासकीय मेडिकल कॉलेज अकोला ने अद्वितीय छात्रावास एवं भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया. 26 जुलाई 2005 की मुंबई कोंकड़ बाढ़ के बाद रायगढ़ जिले के दास गांव चुई कोंटवड़े गांव का पुनर्वास तत्काल पूरा किया गया. रोड स्पेशल बैकलॉग प्रोग्राम के तहत अकोला जिले में उनके कार्यकाल के दौरान 100 आसपास के गांव सड़कों से जुड़े. पुणे में कार्य करते हुए राजभवन के सौंदर्यीकरण, विधानसभा भवन के नियोजन सहित अन्य भवनों के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. एमकेएन परिवार की ओर से श्री जेडी कुलकर्णी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं उनकी इस उपलब्धि पर.